नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है वर्ष 2021 में काल भैरव जयंती का वह। वैसे तो हर महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल अष्टमी का व्रत किया जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव जयंती के तौर पर मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार काल भैरव को भगवान शिव का पांचवा अवतार भी माना जाता है। काल भैरव जयंती पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। काल भैरव के पूजन से नकारात्मक शक्तियों ऊपरी वादा भूत प्रेत जैसी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। अब बात करते हैं काल भैरव जयंती कब मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इस बार काल भैरव जयंती 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन काल भैरव जी की पूजा अर्चना करने से ग्रह वादों से मुक्ति मिलती है और समस्त पापों का नाश होता है। काल भैरव जयंती 2021 का शुभ मुहूर्त क्या है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 27 नवंबर 2021 दिन शनिवार को 5:43 से शुरू होकर 28 नवंबर 2021 दिन रविवार को 6 समाप्त होगी। अब बात करते हैं इस तरह करें काल भैरव की पूजा। इस दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनें, उसके बाद आप पूजा विधि को शुरू करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति काल भैरव जयंती के दिन उनकी पूजा करता है उससे उस शख्स को वैसे मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, विधिवत पूजन करने से शत्रु वादा और ग्रह वादा से भी राहत मिलती है। काल भैरव जयंती पर करें ये दो काम। जिस तरह भगवान शिव का वाहन नंदी को माना जाता है, उसी तरह भैरव जी का वाहन कुत्ता माना गया है। काल भैरव जयंती पर काले कुत्ते को मीठी रोटी या गुड़ के पुए खिलाना शुभ माना जाता है। दूसरा काम, इस दिन किसी भी काल भैरव मंदिर में जाकर गुलाब, गुग्गल की खुशबूदार अगरबत्ती और चंदन चढ़ाना चाहिए। नींबू की माला भी भैरव जी को चढ़ाना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान भी देना काफी शुभ माना जाता है। इस दिन ना करें ये काम। काल भैरव जयंती के दिन किसी से झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, किसी का नुकसान ना करें। गृहस्थ लोगों को इस दिन काल भैरव के सौम्य स्वरूप टूक भैरव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन किसी भी पशु से हिंसक व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए कभी भी काल भैरव की पूजा नहीं करनी चाहिए। भैरवाष्टमी के दिन करें ये उपाय, होंगी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। अष्टमी के दिन भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उन्हें काले तिल उड़द अर्पित करना चाहिए। वैसे तो काल भैरव का मंदिर हर शहर में होता है। अगर आपके यहाँ काल भैरव का मंदिर नहीं है तो आप भगवान शिवजी भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर भगवान काल भैरव का ध्यान करते हुए दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी सभी समस्याओं का अंत होगा। शत्रु वादा और ग्रह वादा से भी आपको राहत मिलेगी। इस दिन आप 21 बेलपत्र लें। उन बेलपत्रों पर आप लाल चंदन से या फिर सफ़ेद चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान शिवजी भोलेनाथ जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव के विधिवत पूजन से भी काल भैरव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो उस व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। इस व्रत में आपने एक समय भोजन ग्रहण करना होता है, वो भी मीठा ही भोजन ग्रहण करना होता है। आपने इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करना, चाहे वो सिंपल नमक हो, चाहे वो सेंधा नमक हो। अब बात करते हैं क्या ना खाएं। इस व्रत में आप लहसुन प्याज का सेवन भी ना करें, सिंपल नमक का सेवन भी ना करें और मांस मदिरा का सेवन भी ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।